हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील कौशल है। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि सबको पता है कि देश में गवर्नमेंट ने चलान के फाइन कई गुना बढ़ा दिए हैं, जिससे कि एक अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का माहौल बना हुआ है। तो वो उससे संबंधित मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि हो सकता है कि कुछ लोगों की हेल्प हो सके। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के रूल 139 में ये प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए और मोटर व्हीकल एक्ट 2019 सेक्शन 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामले में इन दस्तावेजों को दिखाने का जो समय है वो 7 दिन का है, 7 डेज। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू हो जाने के बाद सबको पता है सरकार ने फाइन में कई गुना की बढ़ोतरी की है। गाड़ी चलाते वक्त हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला आपका ड्राइविंग लाइसेंस DL, RC, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस एंड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप इनकी हार्ड कॉपी आपके पास आप नहीं रखना चाहते, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक या कॉपी भी, मोबाइल में एक डिजिटल कॉपी भी रख सकते हो। उसके लिए एक ऐप है एम परिवहन या डिजी लॉकर। ये दोनों ऐप्स में से कोई भी आप ऐप डिजी लॉकर आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें ये आप या एम परिवहन डाउनलोड कर सकते हो, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं वो रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के नियम 139 में ये प्रावधान भी किया गया है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं किया है तो पेपर ना होने पर अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है तो आप RTO ऑफिस या कोर्ट में 15 दिन के अंदर अंदर अपने वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं और अपने चालान को खारिज करवा सकते हैं। या यूँ कहूँ कि अगर दस्तावेजों के आधार पर आपने कोई उल्लंघन नहीं किया है रूल्स का, बस आपके पास दस्तावेज नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो आपका पुलिस, ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वो चालान लेकर के कंसर्न्ड RTO ऑफिस में या कोर्ट में जाकर के अपने 15 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। तो वहाँ पे आपको जैसे कि फीस काफ़ी ज़्यादा बताई गई है, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, तो आपको इतने वहाँ पैसे नहीं देने हैं। बस वो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको पर डॉक्यूमेंट अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़, जो मेरी जानकारी में है, 100 रुपीज़ आपको एक डॉक्यूमेंट की वहाँ पे फीस जमा करवानी पड़ेगी और आपको आपका वो चालान खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, खासकर मोटर व्हीकल एक्ट 139 के मुताबिक अगर आपका चालान दस्तावेजों के आधार पर कटता है तो उसमें आप घबराइए नहीं, आप कोर्ट जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके घर रहेंगे वहाँ से लेकर के आप 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट जाइए, कोर्ट में दिखाइए, कोई रीज़न पूछेंगे रीज़न बता दीजिए, हाँ वहाँ पे आपका चालान खारिज हो जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये मेरी जो जानकारी है, हो सकता है बहुत लोगों को ना भी पता हो,
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मैं इस जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के 139 एक्ट का जो पीडीएफ फाइल है वो मैं अपने वीडियो के साथ लगा रहा हूँ, इसको भी आप फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि लोग इसको आराम से पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।